बहुत स्वागत है जी सारिया का। मैं हाँ सुरेंद्र डल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के उत्ते अज गल करांगे। लैंडमार्क इमीग्रेशन के डायरेक्टर जसमीत सिंह पाटिया जी मेरे नाल मौजूद ने। जसमीत जी बहुत बहुत सत श्री अकाल। जसमीत जी, गल सारी एक्सपेक्टेशंस ते आ गई। हुण लॉकडाउन आलमोस्ट असी खत्म करने वाले पासे हाँ और सारा कुछ ओपन हो रहा है। दिल्ली दे विच भी सारा कुछ ओपन हो रहा है हौली हौली, हालांकि हजे ऑड ईवन है, लेकिन आउंदे दिनां दे विच मुकम्मल तौर दे उत्ते दिल्ली दे विच भी सारे ऑफिस काम कर सकते हैं। पंजाब च भी स्थितियां ने जिहड़ियां हुण खतरे तो पूरी तरह नाल बाहर ने। और दो तीन चीज़ां होईयां ने पिछले दिनां दे विच। CBSE दे रिजल्ट आ जाणगे बहुत जल्दी, एग्जाम होने नहीं गल तय होगी। दूसरा, अजिहे मौके दे विच 10+2 वाले स्टूडेंट्स दे लई हुण इस गल दा इंतजार है कि कदों खुलने ने आर्ट्स दे एग्जाम। आर्ट्स दे एग्जाम दे बारे तुसीं की दसोंगे, कदों खुलणगे? और ये नाल नाल दो तीन चीज़ा ने जिन्हें मैं गल करूँगा। क्यूबिक दे रिजल्ट्स हुण कदों एक्सपैक्टड ने, क्योंकि हुण हर चीज़ एक्सपैक्टेशंस दे उपर है। VFS सेंटर कदों एक्सपैक्टड ने? और ये नाल नाल की 10+2 वाले स्टूडेंट सितंबर इनटेक लई हुण कोशिश करन, या उन्हां दा पूरा ध्यान है जिहड़ा जनवरी इनटेक ते फोकस होना चाहिए? ये सारे पॉइंट्स ते एक एक करके मैं तुहाडा जवाब लूँगा। सब तो पहला तो मैं VFS सेंटर वाले सवाल ते जरूर जाना चाहूँगा। VFS सेंटर हुण तुसीं कदों देखते हो और आर्ट्स दे एग्जाम कदों देखते हो? सो गल्ला जी, देखो VFS सेंटर्स एक्सपैक्टेशन हैगी है कि लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक खुलन की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली ओपन हो गया, मॉल्स भी ओपन हो रहे हैं विद 50% कैपैसिटी। सो VFS सेंटर लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ओपन होने चाहिए हैं। और रही आइलट्स की गल, तो कंप्यूटर डिलीवर्ड आइलट्स टेस्ट तो हो रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, जो कंप्यूटर बेस्ड हैं। बट साडे स्टूडेंट्स पेन एंड पेपर देना चाहते हैं, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं। सो उम्मीद है पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट जोड़े है वो ओपन हो जाएंगे। सो जिन्हें ने इस साल +2 की है वो अपना आइलट्स की तैयारी पूरी पूरी रखन, क्योंकि जो 12th का रिजल्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी असैसमेंट बेस्ड। लास्ट 3 ईयर्स की असैसमेंट बेस्ड से तुहाडा रिजल्ट दिता जाएगा। सो असैसमेंट बेस्ड रिजल्ट है, सो मैक्सीम मैं लगता कि स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे 12th तो। सो उदे तो फिक्र छड के हूँ स्टूडेंट्स नू आइलट्स की तैयारी कर लेनी चाहिए है। जे तुसी अज दी डेट च आइलट्स सेंटर्स जिन्हों कहते हैं ऑफलाइन नहीं खुले हैं, तो ऑनलाइन आइलट्स की तैयारी तुसी कर लेनी चाहिए है। सो जूम क्लासेस लैंडमार्क इमीग्रेशन भी दे रहा, सो जूम क्लासेस के थ्रू तुसी आइलट्स की तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल, सो जूम क्लासेस के जरिए तुसी आइलट्स की तैयारी भी कर सकते हो। जसमीत जी, तुसी क्या है कि एक्सपेक्टेड ने कि एंड ऑफ द जून या जुलाई फर्स्ट वीक VFS सेंटर खुल सकते हैं, इन्नी लेट क्यों? जब सारा कुछ खुल रहा है तो ये इन्नी लेट तुहानू क्यों लग रहा है? असी कैनेडियन जी गवर्नमेंट हैगी है या हाई कमीशन है, दे आर ऑलवेज़ जिन्हों कहते हैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के चलते हैं। सो दे जिन्हों कहते उन्होंने मेडिकल भी ता ही स्टॉप किए थे, क्योंकि डॉक्टर्स की लोड़ सी इंडिया में जिस टाइम कोविड पीक पर चला गया। हूँ सब तो वधिया गल है कि कोविड जिहड़ा हैगा वो डाउन ट्रेंड पर हैगा, बट फिर भी जो देखा जाए तो 1 लाख केस जिथे कैनेडा जे 500 केस भी एक शहर आता है तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं और बैकफुट पर आ जाते हैं, लॉकडाउन की गल करते हैं। सो इंडिया हले भी 1 लाख केस डेली का आ रहा है, सो दैट इज़ ऑलसो नॉट गुड सिचुएशन। बट फिर भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया कोविड के केसिस। सो सारी सिचुएशन मॉनिटर करद हो, लास्ट ईयर भी ये देखा से जो केस 20-25 हज़ार से आ गए थे जाके VFS सेंटर खुले से। सो मैं लगता है कि आने वाले 15-20 दिन शायद केसिस डाउन ट्रेंड पर आ जाए और VFS सेंटर खुल सकन। सो दिल्ली हूँ सब तो वधिया गल है कि सारा कुछ ओपन हो रहा है और सुधार आ रहा सिचुएशन। सो कैनेडा बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलता है, यही रीज़न है। सो VFS सेंटर्स लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई संभावना है, हले वीक संभावना। सो जे लास्ट वीक ऑफ जून की गल करिए तो 15 दिन असं कह सकते हैं, क्योंकि अज 8 जून हो गई है। सो 15 दिन और कल 7 जून एक सर्कुलर आया नव CBSE का, और CBSE ने सारे किया है जेडे भी स्टेट बोर्ड्स ने या जेडे कॉलेजेस ने कि तुसी सारे स्टूडेंट्स दे उन्हां दे जिहड़े प्रैक्टिकल दे एग्जाम्स ने और जिहड़े इंटरनल टेस्ट ने वो सारे पूरे करके रेडी करके उन्हां दा रिपोर्ट भेजो ताकि फाइनल रिजल्ट दते जा सकन। सो मैनू लगता जसमीत जी CBSE दे जिहड़े रिजल्ट आने ने वो भी जुलाई च एक्सपैक्टड ने, वो भी नैक्सट मंथ एक्सपैक्टड ने। हुण अगर आइलट्स खुल जाती है रिजल्ट आए बिना स्टूडेंट आइलट्स अपीयर हो सकता है?
ਸੀ ਜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈਲੈਟਸ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬਣਵਾ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਸੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਗੋ ਫੋਰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ CBSE ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬੇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂ CBSE ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਸ ਹਾਲੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਦੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦ ਫੇਵਰ ਆਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਛਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰਆਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਉਣਗੇ ਔਰ CBSE ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ 12th ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਲਿਖੇ ਆਏਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ